टोक्यो ओलंपिक 2021 का सबसे यादगार लम्हा था जब जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने भारत को अपने गोल्ड मेडल से स्वर्णिम क्षण दिया था। खेल जगत के इस चढ़ते सूरज के बारे में अब हम सब लगभग सब कुछ जानते हैं, ये भी कि नीरज चोपड़ा को इस जीत के बाद इंडियन आर्मी ने नायब सूबेदार की रैंक से प्रमोट करके सूबेदार की रैंक दे दी है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने एक स्पेशल विंग बनाई है जहाँ देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रॉपर माहौल और ट्रेनिंग दी जाती है। मिशन ओलंपिक विंग में 5 नोड्स हैं: रोइंग नोड, मार्कमैनशिप नोड्स, एक्वेस्ट्रियन नोड, सेलिंग नोड एंड आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 200 से ज्यादा सीनियर एथलीट्स को एथलेटिक्स, आर्चरी, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, फेंसिंग और डाइविंग की ट्रेनिंग दे रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में इंडियन आर्मी के 16 सोल्जर शामिल थे। तो आपने देखा, इंडियन आर्मी सिर्फ आपके शौर्य को नहीं, आपके हुनर को भी तराशती है, क्योंकि देशभक्ति देश का नाम रोशन करने में भी है और देश के लिए लड़ने और खेलने में भी है। तो आप भी करें जीत की तैयारी आज से ही और बने शौर्यवीर।